जितना अभी कहना कमी है, मतलब बहुत 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 ज्यादा हैप्पी है लोग और बहुत ज्यादा इंजॉय किए हैं लोग। बहुत यहाँ पे एक से एक बढ़ करके लड़कियाँ आई है रेडी होकर के और बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय किया है सभी को, हमने एंजॉय बहुत किए हैं। अच्छा, लगभग कहाँ कहाँ से लड़कियाँ आई हैं, कितनी दूर दूर से? बहुत ज़्यादा है, ऐसे देखा जाए तो छपरा की है, गोपालगंज की है, मैरो वगैरह अच्छा। वगैरह, और हम लोग तो तरवारा से है, तरवारा ये बगल में ही पड़ता है सिवान। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वहाँ से है, आए हैं लोग डांडिया में भाग लेने के लिए, तो लिए थे लोग, कर भी लिए लोग, अब जाएंगे घर। अच्छा, अभी मन कर रहा है डांस करने? अगर सॉन्ग बजे तो किसका कमर हिलने के तैयार नहीं होगा। अगर रात भर बोल दिया जाएगा डांडिया महोत्सव में डांस करो तो करते रहेंगे? हाँ, बहुत, क्योंकि ये माता रानी का शक्ति आ जाता है अंदर। अच्छा अच्छा, एक बार नोएडा में कहले रहनी। अच्छा, ये अच्छा, अब कैसा लगा था कि अपना सिवान जिला में होता है? अच्छा, आई हर बार होके के चाहिए। अच्छा, हाँ एकदम, और तैयारी के साथ हमने के आई जाए और बढ़िया लगे। अभी उमंग कम नहीं करू भाई, अभी और डांस करेगा बनू, अभी करेगा बा, एकदम करेगा बा, उम्र डांस पे कोनो तुलना थोड़े बा, डांस डांस बा, उम्र अपना जगह पर बा। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हम रोहित रवा देखते मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स की टीम सिवान में मौजूद गया, जहां पर श्री राम भगवान पैलेस में नवरात्रि डांडिया महोत्सव के आज तीसरा आयोजन किया जाता है। लगातार 3 साल से डांडिया महोत्सव कराया जाता है, जो सिवान में अपना आप में गर्व के बात हुआ, कसकी ये जो डांडिया महोत्सव बहुत बड़न बड़न शहर में देखल जा रहा, लेकिन धीरे धीरे जब प्रचलन शुरू भ, जब एक धीरे धीरे प्रचलन शुरू होकर बाद जब इकर ख्याति धीरे धीरे बढ़ते गई, तब जाके हर एक छोटा छोटा शहर में, हर एक छोटा छोटा गांव में डांडिया महोत्सव कराया जाता है। तब देख सकते हैं कि बहुत सारे स्पॉन्सर लोग के द्वारा ये डांडिया महोत्सव कराया जाता थे। बेहद ही गर्व के महसूस होता था कि नवरात्रि जैसन पावन महीना में डांडिया महोत्सव करा के एक अलग ही सिवान जिला में उमंग बिछाए के प्रयास किया जाता थे। और खुद देख सकते नहीं कि बहुत संख्या में युवतियाँ भाग लेने वालों, लगभग सिवान के कोना कोना से बहुत दूर दूर से ये जी युवतियाँ नवरात्रि डांडिया महोत्सव में भाग ले रहे वालों। हम युवती लोग से बात करे के प्रयास करें, जौन ये डांडिया महोत्सव करावल जाता थे, कितना सिवान जिला खातिर गर्व के बात बा और कितना बेहतर बात बा, कह सके एक प्रकार के आयोजन कहीं ना कहीं हम सिवान के आगे बढ़ाए के प्रयास कर जाता थे। जौन दिल्ली, कलकत्ता या गुजरात जैसन बड़ा बड़ा शहर में कराया जाता रहा, लेकिन अब धीरे धीरे हर एक जगह फैलते जाता थे। डांडिया जौन महोत्सव बाटे, सबसे पहले गुजरात से शुरू भइल और गुजरात से शुरू होके होगत होगत धीरे धीरे जब प्रचलन शुरू भइल, तब एक लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर लगल और खास कर में युवती लोग एक ज़्यादा पसंद कर लगल। तो चलिए युवती लोग से बात करके प्रयास करें कि जौन डांडिया महोत्सव बाटे कितना खूबसूरत लगातार और कितना बेहतर लगाते। देखिए डांडिया महोत्सव होता था और सिवान पीछे रह जाए तो हो ही नहीं कर सकत। चलिए बहुत सारा युवती वाला हम बात करके प्रयास करें कि डांडिया महोत्सव जन बाटे कितना खूबसूरत लगाते। चलिए बारी बारी से हम बात करके प्रयास करें। अच्छा, ये बताइए कि डांडिया महोत्सव सिवान में आयोजन कराया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और इस प्रकार का आयोजन युवती के लिए कितना बढ़ावा देगा? बहुत ज्यादा बढ़ावा देगा। पहले बड़े बड़े शहरों में होता था, अब हमारे सिवान में भी होने लगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तीसरा सीजन है, कैसा लग रहा है? ये तीसरा सीजन है, कैसा लग रहा है डांडिया महोत्सव का? बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरे बार हम लोग, तीसरे बार भी आए, हम तीनों बार आए, हर एक साल आती हैं। हाँ, हर एक साल आते हैं। मतलब एक समय मिलता है कि जब घर में हम लोग बंद रहते हैं और बाहर निकल के उत्साह करने का एक अलग सा उमंग रहता है। हाँ, एक अलग सा उमंग रहता है हम लोग को।
और बहुत सारे लोग से हम बात करके प्रयास करें। अच्छा देखिए बहुत सारे युवती मौजूद वालों लगातार हम मैच बॉक्स के माध्यम से दिखाए के प्रयास करते हैं कि देखिए जितना भी लोग बाटे डांडिया महोत्सव के काफ़ी बेहतर ढंग से लुत्फ उठा रहा बाटे। सर ये बताइए कि डांडिया महोत्सव का जो आयोजन किया गया है सिवान में, ये तीसरा सीजन है, कैसा लग रहा है? क्योंकि देखा जा रहा है कि सिवान की बेटियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और लैक्मे का ये पहला डांडिया में हिस्सा लिया है। डांडिया में लैक्मे सैलून पहली बार हिस्सा ले रहा है और लैक्मे की तरफ से बहुत अच्छा। अच्छा लैक्मे का अभी अनुभव कैसा लग रहा है इस साल पहली बार आ रहे हैं? बहुत ही शानदार और जानदार। हमारे यहाँ लैक्मे का पूरा टीम आई हुई है, लैक्मे सैलून का, और पूरा धमाल मचाने वाले हैं यार। अच्छा आप तो आसामी गीत था शायद, आप काफी बेहतर डांस कर रही थी, कैसा लग रहा है डांडिया महोत्सव में आके? जी मैं आसामी डांस नहीं हूँ, मैं गोपालगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। और मुझे पहला बार मौका मिला है डांडिया डांस करने के लिए। अच्छा। जिन्होंने मेरे सर लैक्मे सैलून के ओनर ने यहाँ ऑफर किया था कि आप लोग चलिए और मेरे लैक्मे सैलून की तरफ से आप लोग डांडिया डांस करें। अच्छा एक एक स्टेप काफी बारीकी से डांस कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि अनुभव है? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं थोड़ा बहुत डांस करती हूँ बट यहाँ देख के लोगों की डांसे देख के मैंने भी शुरू कर दी। अच्छा कैसा लग रहा है लैक्मे आज फर्स्ट टाइम सिवान डांडिया महोत्सव में हिस्सा ले रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, लैक्मे की टीम यहाँ आई हम लोग को बहुत खुशी हो रही है इतने सारे लोगों से मिलकर, सिवान के लेडीजों से एक साथ मिलने का मौका मिला, बहुत खुशी की बात है। आप बताइए कैसा अनुभव रहा? अच्छा लगा हम लोग को देख के डांस। मैम कैसा लग रहा है डांडिया महोत्सव में फर्स्ट टाइम लैक्मे पार्टिसिपेट करी, बहुत सारे स्पॉन्सर इसमें बेटियों को स्पेशली बढ़ावा देने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे दो शब्द बेटियों के लिए? और बहुत सारा युवती वालों हम धीरे धीरे बात करने का प्रयास करें और कुछ महिला भी वालों, देखिए महिला लोग भी काफी डांडिया महोत्सव आटे में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा बने, कैसा लगा था डांडिया महोत्सव में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लड़कियों के साथ डांस कर रही हैं, मतलब पहले का उमंग उभर के आ रहा है। अच्छा आपको कैसा लग रहा है डांडिया महोत्सव में? बहुत अच्छा। ये आपका कौन सा साल है? दूसरा साल है। हर साल पार्टिसिपेट करती हैं? हाँ। आप बताइए कैसा अनुभव है डांडिया महोत्सव का? बहुत अच्छा। जहाँ बड़े बड़े शहरों में ये सारे चीज देखने को मिलता है, वहाँ पे छोटे शहर में इतना अच्छा आयोजन हुआ है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। और भी हम बात करके प्रयास करें बहुत सारा लोग से, मैम कैसा लग रहा है लैक्मे फर्स्ट टाइम डांडिया महोत्सव में पार्टिसिपेट ले रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहूँगी ये लैक्मे टीम से मिलकर के बहुत अच्छा लगा, ये लोग बहुत मिलनसार हैं एंड मतलब इन लोगों से मिलकर के ऐसा नहीं लगा कि फर्स्ट टाइम मिले हैं एंड और ये डांडिया टीम के साथ डांस करके इन लोगों के साथ बहुत अमेजिंग फील, बहुत मजा आया। अच्छा मैम आप बताइए कैसा अनुभव रहा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई थिंक मैं यहाँ पर सिवान में पहली बार इसमें ज्वाइन की हूँ भगवान पैलेस में। अच्छा। और काफ़ी अच्छा लगा, मेरे सारे दोस्त भी मिले यहाँ पर जो पहले नहीं मिले थे और डांस करके बहुत मजा आया। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं सिवान से ही हूँ। सिवान से ही हैं, ये 3 साल हो गया आज फर्स्ट टाइम आ रही है जी। और देख सकते हैं कि बहुत सारा युवती और युवती जौन प्रकार से पार्टिसिपेट करता लो और देखी धूप सिवान भी अब कोनो जिला से कम नहीं थे। अच्छा अब रोवा से पूछे का प्रयास करते नहीं, गोपालगंज में देखल गई लो लेकिन सिवान पीछे नहीं थे, अब क्या कह के जाते नहीं सिवान के लोग पूरा झंडा जगाड़ दिले। हां अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम बना है, हम लोग बहुत इंजॉय किए। देखिए जौन प्रकार से बेटी के बढ़ावा देवे खातिर डांडिया महोत्सव के आयोजन कर जाते, कहीं ना कहीं एगो गर्व के बात बाटे, गर्व के क्षण बाटे। बहुत सारा लोग से हम बात करके प्रयास करें और ये भी जाने के प्रयास करें कि जौन प्रकार से आयोजन करावा जाते, आयोजन समिति के कितना लोग धन्यवाद दी। अच्छा आप बताइए कि डांडिया महोत्सव कराया गया यहाँ के आयोजनकर्ता के द्वारा, क्या उनको बोलना चाहेंगी? धन्यवाद, बहुत ही अच्छा करवाए हैं। आपका ये कौन सा साल है डांडिया महोत्सव? 3 साल हो गया। तीसरा साल लगातार 3 साल से आ रही हैं। बहुत हर साल से ज्यादा इस साल ज्यादा अच्छा हुआ है। अच्छा भीड़ कैसा दिखाई दे रहा है? बहुत ज्यादा, मतलब अगले साल से ज्यादा इस साल भीड़ है। अच्छा बहुत। और बहुत सारा लोग से देखिए फिलहाल में नेटा जी बहुत सारा महिला और युवती डांडिया महोत्सव में डांस कर रहा है और देख सकते नहीं कि ऐसा महसूस होता कि
जौन प्रकार से डांडिया महोत्सव को हम सब गुजरात जैसन बड़न शहर में बानी सन गुजरात जैसन बहुत सारा धूम मचल बटे आई सेल्फी पॉइंट बनावल गई बटे। यहाँ देखिए स्पेशली युवती लोग खातिर सेल्फी बहुत मायने रखेला, कोनो भी यादगार पल होला ओकरा के कैच करे के भरसक प्रयास कर ला लो। और जो देखिए सेल्फी पॉइंट बटे हम बात करके प्रयास करते नहीं, डांडिया महोत्सव में आके कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम है? अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के जो आयोजन समिति हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे जो डांडिया महोत्सव कराया गया? बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं उन लोगों के लिए। आप क्या बोलना चाहेंगे डांडिया महोत्सव के बारे में? बहुत हम लोग खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा, हम लोग पहली बार एंजॉय कर रहे हैं लोग। आप तो पूरा खुल के डांस कर रही थी। बिल्कुल पूरा एंजॉय। बिल्कुल और भी लोग से हम बात करने के प्रयास करें। मैम ये बताइए कि डांडिया महोत्सव कैसा लग रहा है? सिवान में आयोजन कराया जा रहा है, तीसरा साल है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बता नहीं सकते कितना एंजॉय हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा देखिए मैच बॉक्स की टीम लगातार डांडिया महोत्सव के कवर दिखाती है और सिवान में कोनो भी कार्यक्रम हो को और समूह भाई के पार्टिसिपेट ना को ऐसा हो ही नहीं कर सकत, तीसरा साल होता है। बेटी लोग के बढ़ावा देवे खातिर इतना सुंदर कार्य कर रहे बनी लोग, क्या कहे के चाहते हैं बेटी लोग? सबसे पहले तो रोड चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद, ये कवरेज करे खातिर ये आयल बनी और हमने संगे एगो अच्छा इन्वायरमेंट देवे के प्रयास करतनी सन। जौन लड़की के टैलेंट बटे घर में छिपल बड़ी सन और जो थोड़ा सा इंटरटेन करे के चाहत रही सन ओकरा के ई डांडिया के माध्यम से हमसे के उन लोग के मनोरंजन के एगो स्टेज देतनी सन कि आवस लोग लो अपन टैलेंट देखा लोग ओकरा के हमसे के पुरस्कृत करतनी सन, सम्मानित करतनी सन बढ़िया लोग के जरिया। और दूसर बात ये बटे कि सिवान से ई जो डांडिया जो हो रहा बटे ई अब पूरा बिहार में एक जोन बाटे की बयार जा रहा बटे हर जगह अब लोग सब सब जिला से कम नहीं के सिवान जिला। जी 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 सिवाने जिला सब कोई के मार्गदर्शन करेला। अच्छा ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू के धरती बटे कि पूरा देश के मार्गदर्शन कैले बटे आ ई अब जोन डांडिया बटे इहे देख के अब पूरा पूरा बिहार में लोग जोन बा के शुरुआत एकर शुरू कर दी। अच्छा जोन प्रकार से दहेज कुरीतिया बेटी लोग के मुस्कान छीन लताटे, बेटी लोग के कोनो बाप के बेटी छीन लताटे, रवा लोग ए प्रकार के दहेज प्रथा के मतलब समाप्त करे खातिर एक तरह से पहल भी करता नहीं लोग, वो लोग क्या कहे के चाहते हैं कि बेटी के कैसे मुस्कान लेकर आवल जाओ? देखिए सबसे पहला बात है कि बहुत सारा सरकारी योजना भी बहुत आ रहा बटे कि डोरी दहेज जो ले तबे ओकरा पर तरह तरह के जो एलिगेशन जो हो तबे ऊपर बहुत सारा सरकार एक्शन भी ले तबे। हम समाज के लोग से ही कहें कि बेटी लोग के कमजोर नहीं के समझेबे के उन लोग के मजबूत करे के बा और जोन टैलेंट उन लोग में बावे ओकरा के आगे ले जाए के बटे, ओकरा के राज्य लेवल ओकरा के देश लेवल पर ले जाए के बटे। बेटी कभी अछूत नहीं खे, बेटिए ही जन बिया रहूर आगे चल के वंश बढ़ाई रहूर के देश बढ़ाई। भाई ब्रो खुद देख सकता नहीं कि आज ये बेटी लोग के खुशी ये बेटी लोग के उमंग कैसे आज बेटी लोग खुल के अपन खुशी के जगह जाहिर करता थे आई और जे आयोजन समिति के जे करा रहा बटे बारी बारी से सबके उसे पूछे का प्रयास करता नहीं। हमारे साथ जे रजनीश भाई मौजूद बानी, सबसे पहले तो मैच बॉक्स के तरफ से लोग हम धन्यवाद देवे का चाहते नहीं कि जनाब बहुमूल्य समय निकाल के। अच्छा रजनीश भाई एक प्रकार के आयोजन बेटी खातिर मतलब रोवा लोग करते नहीं बहुत बड़ा पुण्य के काम करते नहीं ऐसा कहा जला कि नवरात्र में अगर बेटी के चरण घर में पड़ जाओ तो घर में साक्षात दुर्गा के अवतार मानल जला और जौन गरबा बा नारी सशक्तिकरण के पहचान बा और माता के प्रसन्न करे खातिर एक तरह की पूजा हो तो ये अपन धार्मिक सांस्कृतिक सौहार्द के एगो माध्यम बा जौना से हमनी के कला संस्कृति के आगे ले जाता निशान देखल गई बा कि बहुत सारा बेटी अभी विवाह लेलू घर में कैद रह लो माता पिता बहुत सारा मतलब बाहर के कुरीतिया से डेराला जाए ना देला रोवा जोन आयोजन करेले बने बहुत सारा लड़की लोग से बात करे के प्रयास करनी उन लोग खुशी देखे के मिलते रहो खुशी के आंसू देखे के मिलते रहो। हाँ बिल्कुल बात सही कहते नहीं तो ऐसने ऐसने कार्यक्रम मतलब बेटी के भी बाहर जाए के मौका मिली और सपना जिए के मौका मिली और सपना में पर लगावे के काम करिए ऐसा कार्यक्रम और सिवानवासी के हम धन्यवाद देता नहीं कि हमरा के ऐसा ऐसा कार्यक्रम करे में हमेशा सहयोग करेला और एक बार भरपूर सहयोग कैलस। बहरहाल बहुत सारा महिला लोग बाटे हम बारी बारी से बात करके प्रयास करें। मैम ये कैसा लग रहा है बेटियों को जिस प्रकार से आज सिवान के लोग बढ़ावा दे रहे हैं, आज तीसरा साल है और
बढ़ चढ़ के बेटियां हिस्सा ले रही हैं, बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगी? बेटियों के लिए कहना चाहेंगे कि जैसे बेटियों को छूट मिलता है वैसे बेटियों को भी जिंदगी जीने का हक मिलना चाहिए। और इसके लिए आराध्या चित्रकला और ये जो संजू मौर्य है इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे संस्कार और हमारे कल्चर को बरकरार रखते हुए ये आज तक जो टीवियों में देखने के लिए मिला, लड़कियां जो टीवी में देख के थिरकती थी लेकिन आज वो खुल के जिंदगी जी पा रही हैं, दशहरा का मनोरंजन कर पा रही हैं। नहीं तो आज तक बस मूर्तियाँ देखना, घर में पैक रहना, लेकिन ऐसा कभी फील नहीं हुआ। तो इसीलिए शिवानी के लिए गौरव की बात है। अच्छा, आप अपने बेटी को क्या सीख देना चाहेंगी? आज सिवान जिले के लिए कैसा लग रहा है? मुझे तो सिवान जिला बहुत ही अच्छा लगा और मैं, मेरी बेटी अभी 3 मंथ की ही है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मुझे फर्स्ट बेटी हुई है और मैं अपनी बेटी को चाहूँगी कि मेरे से 4 कदम आगे निकले। मुझे बहुत ही खुशी मिला है। मतलब बेटों से बेटियाँ भी कम नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे भाई से कम माना, ना मैं अपनी बेटी को अपने बेटे से कम मानूंगी। मैम, जिस प्रकार से ये दहेज की कुरीतियाँ बेटियों को दिन पर दिन मिटाते जा रही है, जो दहेज लोभी हैं, बेटियों पर जुर्म करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका मानसिकता कैसे बदले? मानसिकता तो अब अपने ऊपर है, बदलेंगे या नहीं, बट बदलना चाहिए। और आप बताइए, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और ये हर साल की बात ही, इस साल भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बना है, बहुत ही ऐसे ही आगे बढ़ता जाए कार्यक्रम। आपने एक क्वेश्चन किया कि बेटियों के बारे में, तो ये मैं एक बात कहना चाहूँगी, माँ भी एक बेटी है, तो जैसे माँ का स्वागत किया जा रहा है ना, तो वैसे ही हर बेटियों का स्वागत करना चाहिए। सही कहना चाहिए, माँ जैसे माँ को इज्जत दी जा रही है तो वैसे हर एक बेटियों को इज्जत देनी चाहिए। बहरहाल चलिए, एक ऐसा महिला से बात करे के प्रयास करें जौन बहुत सारा ऐसा इंटरनेशनल मंच बाटे पर पुरस्कृत भइल बानी। और आपका पहले हम नाम जाना चाहेंगे। मेरा नाम थानवी आही है। अच्छा, प्यार से मुझे नन्ही गुरु बोलते हैं लोग। अच्छा, नन्ही गुरु जी। नन्ही गुरु, कैसा लग रहा है ये डांडिया महोत्सव कराया जा रहा है? तो एक खुदी का माहौल है, एक एनवायरमेंट मिल रहा है, इंसान इंजॉय कर पा रहा है, महिलाओं खुल के अपनी कर पा रही है। आयोजन आयोजन समिति के लोग को क्या बोलना चाहेंगी? क्या जो आयोजन करता है उनके लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगी? दी, बहुत अच्छा लग रहा है आयोजन करता ने, तो ये भव्य कार्यक्रम मंगा है, इसे देख के खुद ही हो रहा है कि दीवानी में इतना कार्यक्रम हो रहा है, तो इनके लिए थैंक यू बोलूँगी। और स्पेशली मुझे इन्वाइट करने के लिए रूपर आनंद मैम है और सर है, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो देखिए, बहुत सारा महिला लोग मौजूद बाटे ये महोत्सव में। मैम, इस कार्यक्रम में आई हैं, कैसा लग रहा है और इस प्रकार से ये बेटियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार सिवान में इतना अच्छा कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सबको बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पहले बहुत सारा जुनून है इस चीज़ के लिए, बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छा। मैम, आप 2 शब्द बोलेंगी इन बेटियों के लिए, जैसा आज नवरात्रन का पावन दिन चल रहा है और सिवान के यहाँ के आयोजनकर्ता लोग काफ़ी एक बेहतर कार्य किए हैं? सबसे पहले तो जय माता दी। और यहाँ पे पहले तो बाहरों में हुआ करता था लेकिन अब हमारे शहर बिहार में सिवान में अब होने लगा है, 2-3 सालों से शायद हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बढ़ चढ़ के लड़कियाँ औरतें ये हिस्सा ली हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज जो किया है उसको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने बड़े फंक्शन को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया और लड़कियों को हर सुविधा देते हुए इन लोगों को बहुत, मतलब अच्छा लग रहा है लड़कियों को, और हम लोग तो बहुत ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतना अच्छा यहाँ डांडिया हो सकता है। अच्छा मैम, आप योगा टीचर हैं और आज जिस प्रकार से डांस महोत्सव हो रहा है, बहुत सारे ऐसी बेटियाँ होती हैं कि घर के बंदिशों में डिप्रेशन में चली जाती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी, वो कैसे अपने आप को आगे लाएं, समाज की कुरीतियों को तोड़ पाएं? देखिए, सबसे पहली चीज़ की जय माता दी, नवरात्रे चल रहा है। दूसरी चीज़ की यहाँ की जो हमारी मेंटलिटी है कि जेंट्स से बात नहीं करना है, लड़कों से दूर रहना है, जो हमारे समाज ने हमें अभी तक सिखाया हुआ है। तो मैं एक लड़की हूँ और मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं इसी शहर में रह के योगा सिखा रही हूँ, तो मैं चाहूँगी उन सारे पेरेंट्स को कि आप मुझ पे ट्रस्ट करके अपनी बेटी बहन को मेरे पास भेज सकते हैं। आज योगा सिखाती हैं निराला नगर प्रोफेसर कॉलोनी में, सगुन ब्यूटी पार्लर के कैंपस में।
तो जो भी डिप्रेशन है, पीरियड्स है, वेट लॉस है, प्रेगनेंसी है, हर चीज़ के लिए योगा बना हुआ है। योगा से जुड़ के आप हर बीमारी को आराम से सलटा सकते हैं। आपको किसी तरीके के लिए किसी भी बंदिश में नहीं रहना है और अपने लिए 24 घंटे में से एक घंटा ज़रूर निकालें। मैं ये नहीं कहूँगी आप मेरे पास आइए, पर मैं ये करूँगी योग ज़रूर करें। डांडिया महोत्सव का समापन हो चुकल बटे और दूगो बच्ची मौजूद बलो, ट्विंस टाइप हम कह सकतनी, और काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले बलो। आप ये बताइए कि डांडिया महोत्सव आयोजन कराया गया तीसरा साल है, कैसा लग रहा है? जितना अभी कहे ना कम ही है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी है लोग और बहुत ज़्यादा इंजॉय किए हैं लोग। बहुत यहाँ पे एक से एक बढ़ करके लड़कियाँ आई है रेडी होकर के और बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय किया है सभी को, हमने एंजॉय बहुत किए हैं। अच्छा, लगभग कहाँ कहाँ से लड़कियाँ आई हैं, कितनी दूर दूर से? बहुत ज़्यादा है, ऐसे देखा जाए तो छपरा की है, गोपालगंज की है, बैरो वगैरह अच्छा। वगैरह, और हम लोग तो तरवारा से है, तरवारा ये बगल में ही पड़ता है सिवान। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वहाँ से है आए हैं लोग डांडिया में भाग लेने के लिए, तो लिए थे लोग, कर भी लिए लोग, अब जाएंगे घर। अच्छा, अभी मन कर रहा है डांस करने? अगर सॉन्ग बजे तो किसका कमर हिलने के तैयार नहीं होगा। अगर रात भर बोल दिया जाए डांडिया महोत्सव में डांस करो तो करते रहेंगे? हाँ, बहुत, क्योंकि ये माता रानी का शक्ति आ जाता है अंदर। अच्छा, अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा रोशनी कश्यप। अच्छा, आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा अनुष्का कश्यप। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 10th में पढ़ती हूँ। अच्छा, 10th में। अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से यहाँ के आयोजन समिति ने बेटियों को बढ़ावा देने के लिए सब आयोजन कराया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिन गार्जियनों ने इतना अपने बेटियों को बढ़ावा दिया है उनको मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है। अगर ऐसे ही हमारी बिहार की बेटियाँ को अगर रोक नहीं लगाया जाएगा तो खुलेआम अपनी आज़ादी, अपनी लाइफ को जी सकती हैं। चाहे मतलब यूँ कहे तो कि बेटियों को पाबंदी नहीं लगाना चाहिए, अगर असल देखा जाए तो पाबंदी बेटों को लगाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है ना तो बेटे करते और बेटियाँ पे लगता है बंदी से रहती है। हाँ, बंदी रहती है जबरदस्त। बेटियों को एकदम से आजाद रखना चाहिए कि ताकि कुछ कर पाए हो। हाँ, कुछ कर पाए। अच्छा, कहा जाता है कि बेटियाँ शांत भी रहती हैं और जरूरत पर दुर्गा का रूप ले लेती हैं। बिल्कुल, जहाँ जैसा तहाँ तैसा, हमारी लड़कियों में यही तो गुण है, जहाँ जैसा कर रहती है वहाँ पे वैसे ही रहती है। अच्छा, कैसा लग रहा है अपने सिवान जिला में, ये तो गुजरात में होता था, दिल्लियों में देखा जाता था, बड़े बड़े महानगरों में देखा जाता था, इस प्रकार से तीसरा साल सफल आयोजन कराया गया, कैसा लग रहा है और आगे इन फ्यूचर में ऐसा इससे बेहतर कराना चाहिए? हाँ, ये भी कोई कम नहीं है जो भी हुआ है, क्योंकि समय के साथ जो होता है वो अच्छा ही होता है, और उम्मीद करते हैं सर को कि इसे थोड़ा और भी अच्छा कराए ताकि और भी नाम हो, और भी लड़कियाँ आए और स्टार ऑफर्स का बहुत 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 ज़्यादा ही नाम हो जाए। बहरहाल, जौन भी चीज़ बार हुआ के मैच बॉक्स के माध्यम से एक एक कवरेज दिखानी है और देख सकता नहीं कि डांडिया का धूम, मतलब हमारा लगा था कि आज गुजरात, दिल्ली सब जगह बड़का 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 शहर फेल हो जाए, आज जो अपन सिवान जिला बाटे कोनो शहर से कम नहीं खे, जौन बेटी लोग के जौन हिस्सेदारी आज एगो इतिहास रच रहल बाटे, एगो बेटी के आज देख सकते नहीं जौन भागीदारी एक प्रकार से कहीं ना कहीं अंदर खुशी महसूस करताटे। देख सकते नहीं कि अभी जौन डांडिया महोत्सव बाटे एक आयोजन कल जाताटे, हम कैमरा पर्सन से कहें कि देखी बहुत सारे करे स्पॉन्सर भाई, तीसरा साल हटे और लैक में बहुत सारा जो प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजर बाटे एक स्पॉन्सर कर रहा बाटे बेटी लोग को बढ़ावा देवे खातिर। बहरहाल, जौन भी चीज़ बार वहाँ मैच बॉक्स के माध्यम से दिखाए के प्रयास करते हैं। नन्हे कदम के कुछ सदस्य लोग मौजूद बाटे, मैम क्या कहना चाहेंगी इस प्रकार के आयोजन में? बहुत बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मेरा तो यहाँ पहला साल है और बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, कितना देर डांस की है? अभी नहीं डांस हुआ है, अभी हमारा स्लॉट बाकी है। अभी आपका स्लॉट बाकी है, अभी और डांस होगा? अभी डांस होगा। अगर रात भर बोला जाए डांस करने के लिए तो डांस करें एकदम। देखिए, बहुत सारा लोग आज मौजूद बाटे श्री भगवान पैलेस में, बहुत खुशी के बात बाटे, कैसा लगा था आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर बेटी लोग? बढ़िया
अच्छा ई बात एक कौन साल के बाद डांस कोई नहीं है? हम तो भाई बहुत साल के बाद कोई नहीं है डांडिया। अच्छा एक बार नोएडा में कहले रहनी। अच्छा ये अच्छा अब कैसा लगा था कि अपना सिवान जिला में होता है? अच्छा हर बार होके के चाहिए। अच्छा हाँ एकदम और तैयारी के साथ हमने के आई जाए और बढ़िया लगे। अभी उम्र कम नहीं है ना भाई अभी और डांस करेंगे बनू? अभी करेंगे बा एकदम करेंगे बा उम्र डांस पे कोनो तुलना थोड़े बा डांस डांस बा उम्र अपना जगह पर बा।